उनके पिताजी को न जाने कौन कौन से पद पे हम लोगों ने रखा, तो ये हमारा कर्जवा कौन लौटाएगा। लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। जब कृषि विभाग की बजट हो रही थी, एक भी भाजपा के साथी थे क्या? सम्राट हमारे मित्र हैं, हम तो कहेंगे कि पहले जो पिताजी को हम लोगों ने किया उसकी कर्ज पहले लौटा। मैंने सदन के माध्यम से बता दिया था कि इसकी समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा जैसे ही रिपोर्ट पूरे बिहार से जिलाधिकारी के माध्यम से आ जाता है, पूरी रिपोर्ट हम लोग आपदा विभाग को भेज देंगे, और निश्चित तौर पे जो किसानों को ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल अभी है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, योगी की तुलना उनसे होने लगी है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब जल्द ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, कौन किसको देवता मानता हो। अब कौन, ये लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। हमारा एक इतिहास रहा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम गरीबों पे भरोसा रखते हैं, हम जनता पे भरोसा रखते हैं। उनके पिताजी को भी हम लोगों ने बनाया था आरजेडी में, न जाने कितने वर्ष तक। हमारा तो अभी तक कर्ज वो लौटाए नहीं है, अब भाजपा का कर्ज लौटाने को कह रहे हैं। भाई, जन्म हमारे क्या से हुआ था ना, उनके पिताजी को न जाने कौन कौन से पद पे हम लोगों ने रखा, तो ये हमारा कर्जवा कौन लौटाएगा। तो मुझे लगता है कि उनकी इच्छा है कि हम लोगों ने जो उनके पूर्वजों को किया है, उनके परिवारों को किया है, वो निश्चित बिहार के जनता जानती है। तो पहले हम तो यही कहेंगे, सम्राट हमारे मित्र हैं, हम तो कहेंगे कि पहले जो पिताजी को हम लोगों ने किया उसकी कर्ज पहले लौटा दो, उसके बाद जो है वहाँ पे लौटाते रहना। विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है चौथे कृषि रोड मैप को, क्या सवाल उठा रहा है? चौथा रोड मैप जो है शुरू होगा और तीसरा जो है उसमें भी कई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं सामने। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल भी विधान परिषद में कहा कि एक समय था नक्सलवाद का, जब सारे किसान शहर की ओर भाग रहे थे। आज 100 में 101% किसान गाँव की ओर गए। क्यों गए? खेती हो रही है। और चौथी जो कृषि रोड मैप बन रही है उसमें मोटे अनाजों पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया, मार्केट की व्यवस्था है। अब ये बताइए, पूरे बिहार में कृषि का जितना जमीन था ये परित पड़ा हुआ था ना। चौथे कृषि रोड मैप में हमने निर्णय लिया कि ये सभी जो जमीन है ये पीपीपी मोड पे, जो किसान हैं, हम हैं, आप हैं, जो साथी लेना चाहते हैं उस ज़मीन को हम लीज करेंगे, सब्सिडी देंगे, सीड उत्पादन करेंगे। अगर चौथी कृषि रोड मैप में मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सीड हब के रूप में जाना जाएगा, तो ये क्या भ्रष्टाचार है? अगर बिहार चौथी कृषि रोड मैप में सीड हब के रूप में जाना जाएगा, ये भ्रष्टाचार है क्या? मोटा अनाज का अगर उत्पादन हम बढ़ाएंगे, ये भ्रष्टाचार है क्या? हम किसानों की बात करते हैं। सदन में जब कृषि विभाग की बजट हो रही थी, एक भी भाजपा के साथी थे क्या? अडानी अबानी पूंजीपतियों का अगर बहस होता तो एक भी लोग नहीं जाते वहाँ से सदन छोड़ करके। किसानों की बात हो रही थी, आपको मौका मिलता है, जनता जिता के भेजता है, आप अपनी सुझाव तो देते सदन में, सुझाव देना चाहिए ना कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, सुझाव दीजिएगा नहीं, और बात सिर्फ बड़ा बड़ा करिएगा। हम लोग काम करने चले हैं, हम लोग काम पे भरोसा रखते हैं और हम काम करेंगे।